गुंडाराज और बाहुबलियों के दम पर सरकार चलाने वाले मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कई डरावने किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन रक्षा मंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए मुलायम के काले कारनामे जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये जानना आपको उतना ही जरूरी है जैसे आपने कभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जानना चाहा हो। मुलायम साल 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे, लेकिन मुलायम पद मिलते ही भलाई नहीं बल्कि मलाई की सोचने लगे। मुलायम ने सबसे पहला काम कांग्रेस राज में हुए बोफोर्स घोटाले की फाइलें दबाने का किया। मुलायम इस घोटाले के सभी आरोपियों को बचाना चाहते थे। 4 अरब रुपए के इस घोटाले में राजीव गांधी का नाम भी था, लेकिन मुलायम को थोड़ी भी शर्म नहीं आई और एक एक कर बोफोर्स घोटाले की सभी फाइलों को गायब कर दिया और कई आरोपियों को बचा लिया। बाद में मुलायम ने खुद कहा था, वो फाइलें मैंने ही गायब की थी क्योंकि राजनेता जेल में होंगे तो राजनीति कौन करेगा। इसके साथ ही मुलायम पर रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रकों के घोटाले का आरोप लगा। खुद उसके हम सफर और कभी दाहिने हाथ रहे बेनी प्रसाद वर्मा ने ये आरोप लगाए थे। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक है। इस यादव परिवार ने चाहे बाप हो या बेटा, सत्ता की चाबी जिसे मिली उसने इसका इस्तेमाल देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए ही किया।